नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आओ बातें करें में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके स्मार्टफोन के मोबाइल कैमरे की। जी हाँ दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग सबसे ज़्यादा यूज अपने स्मार्टफोन में किस चीज़ का करते हैं, कौन से फीचर्स का करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, दोस्तों हम कहीं भी जाते हैं सबसे पहले अपने फ़ोन का कैमरा निकालते हैं और दोस्तों वहाँ पे एक फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे की बातें कर रहे हैं। दोस्तों हम बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। आजकल मार्केट में नए नए स्मार्टफोन पेश किए जा रहे हैं जिनके कैमरे को लेकर युवाओं में सबसे ज़्यादा उत्साह देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा क्रेज़ देखने को मिलता है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्मार्टफोन में सबसे ज़्यादा यूज जो होता है वो कैमरा ही होता है। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि जाने अनजाने में हमारे फ़ोन के कैमरे पर स्क्रैच लग जाते हैं, तो दोस्तों उसकी वजह से फ़ोटो साफ़ नहीं आ पाता, फ़ोटो बहुत गंदा जाता है। तो दोस्तों आप अपने फ़ोन के कैमरे को साफ करने के लिए, आई मीन इसकी स्क्रैच को हटाने के लिए क्या करते होंगे आप? दोस्तों क्या करते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन को चेंज कर देते होंगे या उसको सफ़ा करते होंगे, रगड़ते होंगे, लेकिन वो फिर भी ठीक नहीं होता होगा। तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने मोबाइल के स्मार्टफोन के कैमरे पर स्क्रैच लगे हुए हैं तो आप उन्हें कैसे हटाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए आप हमारी वीडियो का एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली हर न्यू लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप ऐसी यूजफुल वीडियो का फायदा उठा सकें। दोस्तों सबसे ज़्यादा यूज होता है स्मार्टफोन के कैमरे में होता है, इसलिए दोस्तों स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों ने अपने स्मार्टफोन में अच्छे से अच्छे क्वालिटी के कैमरे लगाकर देने स्टार्ट कर दिए हैं और एक बेहतरीन कैमरा देने लगे हैं जिसकी वजह से यूजर्स में सबसे ज़्यादा क्रेज देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा उत्साह देखने को मिलता है। सबसे पहले दोस्तों आप अपने स्मार्टफोन के कैमरों को साफ करने के लिए कुछ अल्कोहल की बूंदों को पानी में मिलाकर रफू के कपड़े से आराम से धीरे धीरे इसको साफ करना है जिससे कि इसकी स्क्रीन साफ हो जाए। दोस्तों अगर आप अल्कोहल की बूंदें मिलाकर पानी में रफू के कपड़े से अपने मोबाइल के कैमरों को साफ करते हैं तो दोस्तों 100% आपके फ़ोन का जो कैमरा है एकदम साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और उस पर जो स्क्रैच लगे हुए होंगे वो भी दोस्तों बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे जिसका आपके फ़ोन के स्मार्ट कैमरे पर कभी भी स्क्रैच लगे ही नहीं है। इसके अलावा दोस्तों एक ट्रिक और है जिसे हम आपको बताएंगे तो आप भी हंसने लगेंगे और सोचेंगे क्या बकवास कर रहे हैं, लेकिन नहीं दोस्तों ये ट्रिक एकदम अजमाई भी है, इसको मैंने यूज भी किया है और मैंने किसी फ़ोन पर यूज किया दोस्तों ये ट्रिक 100% सक्सेसफुल निकली थी। आप दोस्तों इसके अलावा कोलगेट से भी अपने मोबाइल के लेंस को, अपने मोबाइल के कैमरे के लेंस को साफ कर सकते हैं और आप अपने फ़ोन की स्क्रीन को भी एकदम क्लीन साफ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों कोलगेट में अल्कोहल की बूंदें मिली होती हैं, इसलिए दोस्तों कोलगेट की मदद से आप अपने स्मार्टफोन के कैमरे को भी साफ कर सकते हैं। दोस्तों आपको सुनने में यह बात बहुत अजीब लगेगी लेकिन दोस्तों 100% आपके स्मार्टफोन के कैमरे पर अगर स्क्रैच लगे हुए हैं तो बहुत ही आसानी से आप हटा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा तीसरी ट्रिक यह है कि अगर आपके स्मार्टफोन के कैमरे पर स्क्रैच ज़्यादा ही लगे हुए हैं और वो हटने का नाम नहीं ले पा रहे हैं तो दोस्तों आप तीसरी ट्रिक एक और है उसे भी अपना सकते हैं, वो दोस्तों इरेजर। आप इरेजर से भी इसको धीरे धीरे घिस कर साफ कर सकते हैं तो उससे भी आपके मोबाइल का कैमरे का लेंस एकदम क्लीन हो जाएगा और बहुत ही अच्छा आएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप अपने फ़ोन से फोटो खींचेंगे तो एकदम आपके फ़ोन का कैमरा इस तरह फोटो देगा जिस तरह आपने मार्केट से न्यू खरीदा है। अगर दोस्तों आपके स्मार्टफोन के कैमरे के लेंस पर अगर स्क्रैच लगे हुए हैं तो आप ये तीनों ट्रिक अपनाएंगे तो दोस्तों अगर आपको इन ट्रिक में से कोई सी भी ट्रिक अच्छी लगती है जिससे आपके स्मार्टफोन के कैमरे के लेंस पर अगर स्क्रैच है और वो हट जाते हैं तो दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूज है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर न्यू लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप ऐसे यूजफुल वीडियो का फायदा उठा सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।